हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसमें कि हम जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो है रूल ऑफ लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो फाउंडेशन स्टोन है डेमोक्रेसी का, यानी कि वो पत्थर की लकीर कह दीजिए, या जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है डेमोक्रेसी लोकतंत्र का, वो रूल ऑफ लॉ है। यानी कि विधि का राज या विधि सबसे ऊपर सर्वोपरि होना, ये डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे कि हम रूल ऑफ लॉ में होता क्या है, रूल ऑफ लॉ में किसी इंडिविजुअल के प्रिंसिपल्स को नहीं माना जाता है, जबकि प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ यानी कि विधि के सिद्धांत ही सर्वोपरि होते हैं, सुप्रीम होते हैं और उन्हीं को माना जाता है। या एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे इंडियन सिस्टम में व्हाट इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी, द सुप्रीम अथॉरिटी इज़ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे इस देश में, हमारे भारत देश में सुप्रीम क्या है। अगर हम सुप्रीम या सोवरन पढ़ते हैं तो हमारे इस कंट्री में सुप्रीम जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान है। अब व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ है क्या, तो इसके ऊपर अलग अलग जो जुरिस्ट हैं उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर आइवर जेनिंग्स की। तो उन्होंने कहा है कि रूल ऑफ लॉ ये डेमोक्रेसी को समझने का सबसे आसान तरीका है, लिबरल ट्रेडिशन है। जो पहली डिमांड है रूल ऑफ लॉ की वो ये है कि एग्जीक्यूटिव है वो लॉ नहीं बनाएगा और वो सिर्फ उसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा, और जो उसकी पावर होगी वो लिमिटेड होगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही है वो प्रोफेसर गुडहार्ट ने कही है। उन्होंने कहा है कि रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत इसलिए है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनको गवर्न किया जाए विधि के द्वारा, यानी कि वो विधि के अंतर्गत लाई जाए। जो गवर्नमेंट है वो विधि के अंतर्गत है, विधि के अंदर है, ना कि विधि सरकार के अंतर्गत आती है। तो इसीलिए जो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है वो ज़रूरी है, और वो गवर्नमेंट से अबव है, जो लॉ है वो गवर्नमेंट से अबव है, ना कि गवर्नमेंट लॉ से अबव है। इसके बाद अगली जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है डाइसी की। डाइसी ने अपने उसमें कहा है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ या रूल ऑफ लॉ वो बहुत ज़रूरी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। रूल ऑफ लॉ स्पेशली इम्पोर्टेंट है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि वो इंग्लैंड के तरफ के थे तो उन्होंने इंग्लैंड के लॉ से रिलेटेड ही इसमें बात की है। उन्होंने तीन मीनिंग भी बताए हैं रूल ऑफ लॉ के। फर्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कि विधि का जो रूल है उसका पहला मतलब है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कि जो विधि है वो सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। सेकंड है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि विधि के समक्ष समानता। और थर्ड जो है लॉज आर रिजल्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड नॉट एज ए सोर्स, कि जो विधि है वो मानव के अधिकारों का रिजल्ट है, ना कि स्रोत का। अब हम तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। इट मींस गवर्नमेंट हैव टू एक्ट अंडर द लॉ, कि जो गवर्नमेंट है उसे वर्क करना होगा विधि के अंतर्गत। लैक ऑफ आर्बिट्रेरिज्म इज रूल ऑफ लॉ, कि जहाँ पर मनमानी नहीं होगी उसकी कमी, मनमानी की कमी को रूल ऑफ लॉ है इसका मतलब। एनी पर्सन शुड बी पनिश्ड ओनली ऑन वायोलेशन ऑफ लॉ, कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ तभी दंडित किया जाएगा जब उसने विधि को वायोलेट किया हो। एंड ऑफेंसेस शुड बी ट्रायड इन कोर्ट एज पर लीगल प्रोसीजर, और उसका ट्रायल कैसे होगा, जैसे हमारा लीगल प्रोसीजर कहता है। और सेकंड जो है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इसका मतलब क्या है। इट मीन्स दैट ऑल पर्संस आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड दे हैव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि सभी जो व्यक्ति हैं वो विधि के समक्ष समान हैं और उन्हें विधि के समक्ष पूर्ण संरक्षण दिया जाएगा विधि के। नो पर्सन इज अबव द लॉ, कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। थर्ड जो है लॉज आर रिजल्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड नॉट एज सोर्स, इसका मतलब ये है कि जो हमारे अधिकार हैं उन्हीं से विधि बनती है, ना कि स्रोतों से विधि बनती है। अब इसमें एक फेमस केस है श्रीमती इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण का केस है। इसमें जस्टिस मैथ्यू ने कहा था कुछ डाइसी के रूल को एक्सप्लेन करते हुए कि
रूल ऑफ लॉ के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण बताई थी। फर्स्ट, सुप्रीमेसी ऑफ कॉमन लॉ, कि जो किसी भी कंट्री का कॉमन लॉ है वो सुप्रीम होना चाहिए। सेकंड जो है, अपोजिशन ऑफ आर्बिट्रेरी एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के मनमाने काम नहीं होने चाहिए, उनका विरोध होना चाहिए। थर्ड है रिमूवल ऑफ प्रिविलेजेस, कि किसी को ज़्यादा अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। फोर्थ है लैक ऑफ डिटेल्ड डायरेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन इट, कि जो सरकार के निर्देश हैं उनकी कमी उसमें होनी चाहिए, यानी कि सरकार के दिशा निर्देश उसमें नहीं होने चाहिए। अब रूल ऑफ लॉ जो है वो हमारा मित्र भी है और एक तरीके से हमारा दुश्मन भी है। वो ऐसे है कि रूल ऑफ लॉ, अब इसमें दो चीज़ें हैं, क्यों है रूल ऑफ लॉ हमारा मित्र? इसलिए है कि उस वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और वो कहता है कि लॉ जो है सबसे सुप्रीम है, यानी कि गवर्नमेंट भी लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकती है, तो यहाँ से वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बट वो हमारा दुश्मन इसलिए है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ को रोकता है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विधि का शासन है उसका क्या मतलब है? तो हमारे इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट माना गया है, अंदरूनी हिस्सा माना गया है रूल ऑफ लॉ को। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ पर ही बेस्ड है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में झलकती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। फर्स्ट, कि जो प्रीएम्बल में है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, उसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। सेकंड जो है इक्वालिटी ऑफ प्रेस्टीज एंड अपॉर्चुनिटी, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई है। थर्ड है इंडिविजुअल्स डिग्निटी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी का ख्याल रखने की वहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। फोर्थ है सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री, इसको माना गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। फिफ्थ, ऑल पर्संस आर इक्वल बिफोर द लॉज एंड दे हैव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसकी भी बात की गई है कि सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान हैं और उनके अधिकारों का संरक्षण करने की बात हमारे संविधान में की गई है। सिक्स्थ जो पॉइंट है, छठी बात जो हमारे संविधान में कही गई है, वो ये है कि अगर कोई भी लॉज वॉयलेट करते हैं फंडामेंटल राइट, किसी के वॉयलेट होते हैं, तो आप आर्टिकल 232 में तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट जाने के लिए आपको आर्टिकल 226 में अप्रोच करना होगा। एट जो है वो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, वो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज और डिसीजंस के अगेंस्ट, यानी प्रशासनिक जो नीति हैं उनके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू की बात ये करता है। एट वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स को बहुत महत्व दिया गया है हमारे संविधान में। नाइन्थ है कि वेलफेयर की बात की गई है, वेलफेयर स्टेट माना गया है हमारे इंडिया को, और इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निदेशक तत्व की बात की गई है। टेंथ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में झलकती है वो बात यह है। दसवीं और आखिरी, कि यहाँ पर लीगल एड की बात की गई है, फ्री लीगल एड अंडर आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो हमारे विधि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में विधि के शासन को दर्शाती हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट केस है, वो DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है वो हमारे, वो रूल ऑफ लॉ का इंटीग्रल पार्ट है, यानी विधि के शासन का अंदरूनी हिस्सा है, जिसमें स्टेट ऑफिसर्स जो है और वो अपनी पावर्स को, कहा गया है कि वो अपनी पावर्स को लॉफुली यूज़ करेंगे, विधिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करेंगे और अपनी मनमर्जी से कोई काम नहीं करेंगे, और अगर वो कोई काम अपनी मनमर्जी से कर भी देते हैं तो उसे चैलेंज किया जा सकता है थ्रू रिट्स। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।